रामस्थान भूमि में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवक किशन मिस्त्री जी हैं, आज यहां पर विजिट पे हैं, दर्शन लेने के लिए आए हैं। आइए जानते हैं सर क्या कहेंगे, जिस तरह यहां पे हर साल पूजा मनाया जाता है, आप यहां पर आए हैं दारू पूजा में, क्या कहना चाहेंगे? ये दारू पूजा ने काल भैरव का पूजा है, काल भैरव को तो जो उनका प्रसाद है ये उनका भोग चढ़ाया जाता है। आप लोग दारू बोलो, सिगरेट बोलो या मांसाहार बोलो, जो भी बोलो, ये माँ काली भक्त का जो काल भैरव है, जिधर काली माँ है उधर काल भैरव तो रहता ही है, जिधर शिव जी है कि उनका रूप है कि जो काली माँ का साथ में जो काल भैरव है, जो शिव जी ने रूप लिया काल भैरव का, अनेक रूप लिया था, माँ काली माँ ने जैसा रूप लिया था कि लोगों के ऊपर जो अत्याचार होता था इंसान का अत्याचार बचाने के लिए कि काली माँ ने अनेक रूप लिया, उसका साथ साथ में कि काल भैरव ने भी, शंकर भगवान ने भी अनेक रूप लिया है, ऐसा ये युगों युगों से चलते आ रहा है। और मैं इस काली माता मंदिर और काल भैरव का जो देखभाल करता था हमारा प्रीतम दास जी, कि रमेश लोहाना का मामा था, कि वो चालू करके गए थे, आज इस दुनिया में नहीं है, कि उनके याद में आज कुछ सैकड़ों में आदमी आते थे, आज हजारों की संख्या में आ रहा है। उनका परंपरा और कायम रखा रमेश लोहाना ने, आज रमेश लोहाना सभी को मदद करने में हमेशा एक हाथ आगे रहता है, कि रमेश लोहाना हमेशा एक दूसरे को मदद करने में धार्मिक आदमी है, जो भी है उद्योग करते हैं अच्छा करके, लोगों का गरीब लोगों का हमेशा मदद करते आता है। एक स्मशान भूमि में आने के लिए लोग डरते थे कि आज जो प्रीतम दास ने जो चालू करके गया, आज जो रात ना दिन यहाँ कि जो हिसाब से जो आज स्मशान भूमि के अंदर लोग आते हैं, और कांग्रेस पार्टी के जो हमारा जो आमदार थे कि इतना भव्य कि स्मशान भूमि सीमेंट्री बनाया कि यहाँ का वो या हर जगह पे, जब ये हमारा पालक मंत्री थे हमारे आमदार कांग्रेस पार्टी के, कि भव्य स्मशान भूमि गया बनाया गया था कि लोग यहाँ रात को आने में कभी डरते नहीं हैं। आज ऐसे ही है कि दुनिया में आदमी जीवन में जो जन्म मिला है कि मृत्यु तो अटल है, आदमी का मृत्यु होता तो स्मशान भूमि में सीमेंट्री में आना उसका तो निश्चय है, कि आपने क्या लाया और क्या लेके गया यही सब छोड़ के जाना है, कि जो अच्छा कर्म करो अच्छा काम करो, कि कभी ना किसको ना दुखाओ ना किसको सताओ, अच्छा काम करे। और इस धरती पे कि पावन भूमि है कि जो जैसे आया वैसा चले जाएंगे। हमारे साथ रमेश लोहाना जी है जो पूरा आयोजक किए हुए इस प्रोग्राम को, आई उनसे जानते हैं। रमेश जी क्या कहेंगे, पूरा पूरे पूजा क्या महत्व है और किस तरह आप इसे आयोजित करते हैं? ये पीछे हमारे प्रीतम चल रहे थे, हमारे मामा थे हमारे, वो उनकी परंपरा 40 वर्ष हो गए, हम चलते आ रहे हमारे जब से, ये हमारे समझा भूमि सब आते हैं इधर, ये पूरा इंडिया में किधर ही होता है इधर के हमारे मामा पहले चला के गए, उनकी तरह आस्ते आस्ते सब बढ़ते आ रहे, सब हमारे को मदद करते, सब उनका आशीर्वाद है, भगवान का, काली माता का, भैरव बाबा का, वही समझा भूमि है, सब आते, सबको आनंद बढ़ते हैं, प्रसाद बढ़ते हैं, लंगर होता है, यहाँ से सब चलते सब रखते हैं। कितने भक्त रोज आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए पूजा के समय? ये यहाँ तो अभी आज तो 5-6 हज़ार पब्लिक आती है रोज, बाकी रोज तो आते 1000-1500 आते डेली, ये हमें चालू रहता है हमारा इधर। जिस तरह रमेश लोहाना जी यहाँ पे इस पूजे पूरे भंडारा और पूरे पूजा का आयोजन करते हैं, और देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए, महाकाली जी के दर्शन करने के लिए, और चेंबूर शमशान भूमि का ये पूरा इलाका है, और यहाँ पे देख सकते हैं हजारों भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए कतार में खड़े हुए हैं। लक्ष्मण रमेश लोहाना जी हर साल की तरह इस साल भी भव्य पूजा का आयोजन यहाँ पे किए हुए हैं और हजारों भक्त यहाँ पर दर्शन ले रहे हैं। हर साल की तरह यह साल भी भैरव जी का बहुत बड़ा फंक्शन, बहुत बड़ी पूजा यहाँ पे हर साल होती है, उस तरह हमारे सिंधी भाई जाती करके यहाँ पे उसका पूजन करते हैं, और सभी लोग इकट्ठा आके भैरव जी का दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं, कि मनोकामना करते हैं कि हमारा जो काम है उसने सुयश दे और हमारे साथ रहे। ये इस वक्त मैं नगर सेवक हूँ, उससे पहले 5 साल में मैं यहाँ नगर सेवक था। आपने देखा होगा कि मशान भूमि में बहुत से बदलाव आए हैं, जैसा कि पहले एग्जॉस्ट फैन नहीं था, आज फैन है वहाँ पे, आखिर में एक तो जहाँ पे अपन दफन भूमि है वहाँ पे भी हमने काम किया है, जहाँ पे विद्युत दाहिनी है उसका भी काम किया है, अभी इसके पीछे बाजू में और एक शेड बनाना चाहते हैं हम, जहाँ पे 10वें 12वें दिन लोग विधि करते हैं उसके लिए काम करें, ऐसा मंदिर का काम थोड़ा सा हमने किया है, थोड़ा प्रकाश बाबू ने किया है, ऐसा बहुत सा काम हम कर रहे हैं, और भविष्य में इसके लिए हमने और फंड मांगा है, इसके जो संरक्षण बिंद है जो वो भी खराब हो गई है, उसके वो बनाने का प्रयास करने वाले हैं,
और स्मशान में आने के बाद एक प्रसन्न वातावरण हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। चेंबूर का ये चरई शमशान भूमि है, आप देख सकते हैं किस तरह भक्त इस शमशान भूमि में अब पूजा कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि जिस तरह ये चारपाई लगाई गई है, इसी चारपाई पे मृत शरीर को लाकर मुख्य अग्नि दी जाती है और यहीं पे अंतिम संस्कार लोगों का होता है। और देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने में यहाँ पे एक अनोखे तरीके से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, मोमबत्ती जलाकर, कोई अच्छत चावल देकर और पुष्पमाला चढ़ाकर, यहाँ पर चंदन अगरबत्ती लगाकर यहाँ पर किस तरह लोग इस शमशान भूमि में पूजा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अनोखी तस्वीर है, आप देख सकते हैं पूरा लाइव CNU चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह मुंबई के चेंबूर में आज यहाँ पे अनोखे तरीके से इस शमशान भूमि में पूजा लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहीं पास ही में इस शमशान भूमि में काल भैरव और महाकाली की मूर्ति है, जहाँ पे लोग दारू पूजा के नाम से भी जाना जाता है और दारू भैरव जी को दारू पिलाकर, सिगरेट बीड़ी पिलाकर उनकी पूजा कर रहे हैं। और ये शमशान की लाइव तस्वीर है कि भक्त यहाँ पर हजारों की संख्या में इस शमशान भूमि में अनोखे तरीके से पूजा कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, CNews मुंबई।